और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काशी के युवाओं पर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा है कि काशी के युवा रात में बाजा बजाकर सड़क पर शराब पीते हुए दिखाई देते हैं। ये बयान उन्होंने सोमवार को रायबरेली में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दिया था। राहुल गांधी के इस बयान की काफ़ी आलोचना हो रही है। राहुल गांधी के विवादास्पद बयान पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने काशी और यूपी का अपमान किया है। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा हुआ है, वे उनके इस अभद्र टिप्पणी से प्रतीत होता है। वहीं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये बहुत पीड़ादायक है। राहुल गांधी कब सीखेंगे और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, इससे वो सिर्फ लोगों का अपमान ही करते हैं। कि काशी का अपमान करें, काशी वासियों का अपमान करें, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करें। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी मेहनत कश है। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी का कौशल पूरा देश, पूरा विश्व मानता है। और प्रदेश का, काशी का इस प्रकार से अपमान जो उन्होंने किया है, उनको हम माफी की अपेक्षा उनसे नहीं करते। माफी वो मांगता है जिसमें संस्कार हो, जिसमें इस बात की शर्म हो जो राहुल गांधी में नहीं है। क्या बोल गए यूपी में कि पूरे यूपी की जनता, नौजवान नशे में डूबा हुआ है। ये कोई भाषा है क्या? उस प्रदेश से जहां उनके खानदान ने राज किया है और उनको इतनी साल वो और उनकी माताजी एमपी रहे, मतलब ये कोई भाषा बोलने वाली है? वो यूपी में जहां अभी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आया है, जहां प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ का पूंजी निवेश किया है, जहां नौकरी के अवसर मिल रहे हैं, और वहां ये कह रहे हैं कि पूरा यूपी का नौजवान आजकल नशे में डूबा हुआ है। और आइए सुनते हैं काशी के युवाओं पर अपने आपत्तिजनक बयान में राहुल गांधी ने क्या कहा था। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है, नशे में।